हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके उपहार एप्लीकेशन के बारे में जेके उपहार एप्लीकेशन के क्या बेनिफिट हैं और इसको किस तरीके से जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से जो है आप इसके बेनिफिट उठा सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें अगर आप कहीं भी स्किप करते हैं और आपसे कोई भी स्टेप मिस हो जाता है तो आपको जो है अप्लीकेशन में इस्तेमाल करने में दिक्कत आएगी तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन के अंदर ऑलरेडी पहले से ही जेके उपहार एप्लीकेशन वो इंस्टॉल की हुई है अगर आपको जेके उपहार एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है तो आपको जो है प्ले स्टोर ओपन करना है प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको लिखना है जेके उपहार जैसे ही आप जेके उपहार यहाँ पर लिखते हैं तो जेके उपहार लिखने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह की अप्प्लीकेशन खुल करके आएगी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन के अंदर ऑलरेडी पहले से ही एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो यहाँ पे ओपन का बटन आ रहा है लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो आपको यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल वाला बटन मिलेगा तो चलिए अब देखते हैं हम जेके उपहार एप्लीकेशन को किस तरीके से जो है हम यूज़ कर सकते हैं तो ये जो है हमारा जेके उपहार एप्लीकेशन का फ्रंट पेज है इंटरफेस है मतलब होम पेज है यहाँ पर और इस होम पेज के अंदर यहाँ पे हमें दिया हुआ है रजिस्टर टोकन मतलब जो भी टोकन आपके पास है आप जो है उसको यहाँ पर क्लिक करके उसको स्कैन कर सकते हैं अपने कैमरे के थ्रू ठीक है दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया हुआ है माई अर्निंग इस सेक्शन में क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जितनी भी अर्निंग होगी जितने भी टोकन आपने स्कैन किए होंगे उसके जितना भी पेमेंट आपका बन रहा है वो सारे का सौरा यहाँ पे जो है आपको शो करेगा तीसरा ऑप्शन है माय ऑर्डर तो यहाँ पर जो है आप क्लिक करके अपने ऑर्डर वगैरह देख सकते हैं चौथा ऑप्शन है पॉइंट टू कैश अगर आपके पास में काफ़ी सारे टोकन हैं और आपने उनको स्कैन करने के बाद में काफ़ी अच्छे जो है पॉइंट बना लिए हैं उन पॉइंट को अब रिडीम करना है मतलब उन पॉइंट का जो पेमेंट है वो अपने जो है आपको लेना है तो उस पेमेंट को आपको किस तरीके से लेना है तो पॉइंट टू कैश पे क्लिक करेंगे पॉइंट टू कैश पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो है आपको अपने पॉइंट भरने हैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास में जो है एक हज़ार पॉइंट हो चुके हैं तो उन एक हज़ार को आप यहाँ पर फिलप करें और फ़िलअप करने के बाद में जो है आपको रिडीम वाले बटन पे क्लिक करना है तो जैसे ही आप रिडीम वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका बैंक अकाउंट अपलीकेशन के अंदर रजिस्टर्ड होगा उस बैंक अकाउंट के अंदर आपका जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उसके बाद में जो है आप यहाँ से जो है स्कैन हिस्ट्री मतलब आपने कितने टोकन स्कैन किए उन सभी की हिस्ट्री जो है आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगी दूसरा ऑप्शन है कैश हिस्ट्री तो कैश हिस्ट्री दरअसल वो है कि जो आपने पॉइंट जो रिडीम किए थे उन पॉइंट को रिडीम करने के बाद आपने जो कैश लिया मतलब जो भी आपका पेमेंट बना वो आपने जो है अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया किस डेट में किया और उसकी ट्रांजेक्शन आई क्या है तो उस चीज़ को देखने के लिए आपको जो है कैश टू हिस्ट्री पर जो है क्लिक करना होगा ठीक है और पॉइंट हिस्ट्री पॉइंट हिस्ट्री वो है कि जो आपने टोकन स्कैन करने के बाद में आपको पॉइंट मिले हैं तो एक पॉइंट के कितने मतलब एक टोकन के कितने पॉइंट मिले हैं उसकी हिस्ट्री जो है आप पॉइंट हिस्ट्री के अंदर आप जा करके देख सकते हैं ठीक है तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर रिवार्ड माय अर्निंग माय ट्रांजेक्शन तो मतलब इस सारी की सारी चीज़ें जो है आपको एप्लीकेशन के अंदर देखने के लिए मिल जाती है आप अपनी अर्निंग भी चेक कर सकते हैं अपने ट्रांजेक्शन भी वो चाहे आपकी कैश ट्रांजेक्शन हो मतलब जो आपने टोकन स्कैन किए हैं और उसके बाद में आपका अमाउंट जो है वो बैंक अकाउंट में गया है तो उसकी ट्रांजेक्शन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ईयर बेनिफिट कंपनी की तरफ से जो आप पेंडरों को मतलब जो है वो बेनिफिट मिल रहे हैं तो उसमें जो है अब अगर आपको चेक करना है कि कंपनी की तरफ से क्या बेनिफिट निकला हुआ है तो आपको टीयर पे क्लिक करना होगा टीयर बेनिफिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी की तरफ से जो है इस टाइम पर जो बेनिफिट बेनिफिट दे रही है वो बेनिफिट है लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और गिफ्ट कार्ड ठीक है तो ये तीन ऑप्शन है लेकिन इसके अंदर जो कंपनी की कंडीशन है वो है ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम मतलब आपके पास में जो है ये टीयर सिस्टम होना चाहिए आप शुरुआत करते हैं एक्टिव से उसके बाद में आप ब्रान्ज बनते हैं ब्राउज के बाद सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम तो अब मतलब जितने ज़्यादा आप जो है टोकन अपने स्कैन करेंगे तो उसी के हिसाब से जो है आपका लेवल जो है वो अप होता चला जाएगा जैसे जैसे आपका लेवल अप आप होगा वैसे वैसे आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे तो मेरी राय ये है कि आपके जितने भी टोकन हैं वो आप किसी भी डीलर को या किसी दूसरे प्रिंटर को ना सेल करें बल्कि अपना आप ही खुद ही अकाउंट बनाएं और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है अप्लीकेशन को यूज करने में तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं आपको दे दूंगा उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी परेशानी होगी उस परेशानी का जो सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको कॉल पर या किसी भी तरीके से जो है आपको उसका जवाब दूंगा ठीक है तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद